वेलकम टू आयशा कुकिंग वर्ल्ड। आयशा कुकिंग वर्ल्ड में आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सैंडविच रेसिपी। सैंडविच बनाने बहुत ही आसान है, बहुत कम टाइम में बन जाते हैं ये, और बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाली रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी बनाना। सैंडविच बनाने के लिए ये मैंने 500 ग्राम बॉईल हुए आलू लिए हैं, और ये आलू का छिलका हटा देंगे और इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। आलू को हम मैश कर लेंगे। अब एक कढ़ाई लेंगे और मैंने ये 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लिया है। एक मीडियम साइज की प्याज को मैंने रफली चॉप कर लिया है, हल्का सा फ्राई कर लेंगे इसको। चॉप हुआ हरा धनिया भी ऐड कर देंगे और ये रफली चॉप हुई हरी मिर्च भी डाल देंगे। थोड़ा क्रंची होने तक फ्राई करेंगे हम इसको। अब हम इसमें कुछ मसाले भी ऐड कर देंगे। आधा टेबल स्पून नमक डालेंगे, आधा टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आधा टेबल स्पून आमचूर पाउडर भी डाल देंगे। ये मैंने आमचूर पाउडर डाला है यहाँ पर, अच्छा टेस्ट भी आएगा आमचूर पाउडर से और स्टफिंग ड्राई तैयार होगी। अगर हम इसमें टमाटर वगैरह डाल देंगे तो उससे स्टफिंग थोड़ी गीली गीली सी रहेगी। 2 मिनट अच्छे से मिक्स कर लेंगे लो फ्लेम पर। ये बॉईल हुए आलू भी ठंडे हो गए हैं, आलू से छिलका हटा दिया है मैंने और आलू को मैंने मैश कर लिया है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सैंडविच में मोटे आलू अच्छे नहीं लगते हैं, तो इसीलिए हम आलू को ऐसे मैश करते रहेंगे और पकाते रहेंगे। अब ये स्टफिंग भी हमारी तैयार है, इसको ठंडा होने के लिए साइड पर रख देते हैं। अब एक तवा लिया है मैंने और ये 1 टेबल स्पून के करीब बटर लेंगे, मेल्ट कर लेंगे बटर को हम। अब क्या करेंगे, ये आलू की जो स्टफिंग मैंने तैयार करके रखी है, थोड़ा ठंडा होने के बाद ब्रेड स्लाइस लिया है मैंने और इस पर हम स्प्रेड कर देंगे। ये मैंने व्हाइट वाली ब्रेड स्लाइस लिए हैं, आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड स्लाइस ले लें, लेकिन सैंडविच ना व्हाइट स्लाइस के ज़्यादा अच्छे लगते हैं। यहाँ पर मैं ये आलू की स्टफिंग स्प्रेड कर रही हूँ, आप चाहें तो पनीर भुजिया वगैरह जो भी आपको पसंद हो वो भी स्प्रेड कर सकते हैं इसके ऊपर। अभी ब्रेड स्लाइस पर जो मैंने आलू की स्टफिंग सेट की है, इसको हम पत्ता गोभी से कवर कर देंगे। आपको और जो वेजीज पसंद हो वो ले लें। टमाटर को मैंने राउंड शेप में कट किया है, ये भी लगा देंगे इसके ऊपर। और ये छोटे छोटे पनीर के स्लाइस भी लगा देंगे, आप चाहें तो इसको ग्रेट करके लगा लें। चिली फ्लेक्स भी स्प्रिंकल कर देंगे और ये ऑरिगेनो स्प्रिंकल करेंगे। अभी ये इसके ऊपर हम 1 टेबल स्पून के करीब फ्रेश क्रीम भी डाल देंगे, आप चाहें तो मेयोनीज या फिर व्हाइट सॉस वगैरह भी लगा सकते हैं। दूसरा ब्रेड स्लाइस लेंगे, जो अभी हमने स्टफिंग की है स्लाइस से कवर कर देंगे। ये स्लाइस एक साइड से तो सीख चुके हैं, तो इसको मैं फ्लिप कर देती हूँ। दूसरी साइड से भी सैंडविच को हम कवर करके लो फ्लेम पर सेकेंगे। कवर करके सेकने से क्या होगा, सैंडविच अंदर तक से अच्छे से पकेंगे और बिल्कुल टोस्टर में जो हम कवर करके पकाते हैं वैसा ही टेक्सचर और टेस्ट आएगा। 10 सेकंड बाद ब्रेड को चेक कर लेते हैं, एक बार फिर से फ्लिप करेंगे, फिर से कवर करेंगे और कुछ सेकंड के लिए पकाएंगे। कवर करने के बाद बहुत ज़्यादा देर तक नहीं छोड़ेंगे हम, बहुत जल्दी से ब्रेड जलने लगते हैं, तो बस 10 सेकंड के लिए छोड़ेंगे। सैंडविच को चेक कर लेते हैं, बहुत अच्छे एकदम गोल्डन ब्राउन ब्रेड सेके हैं बिल्कुल टोस्टर वाले टेक्सचर के साथ। और ये प्लेटिंग के लिए हमारे सैंडविच बिल्कुल तैयार हैं, प्लेटिंग कर लेते हैं। बर्गर स्टाइल सैंडविच को आप इंजॉय कर सकते हैं इवनिंग में, छोटी भूख के लिए बेस्ट रेसिपी होगी ये। टेस्टी है, हेल्दी है, बहुत कम टाइम में बनकर तैयार हो जाती है। जब समझ नहीं आए फटाफट से भूख के टाइम क्या बनाकर खाएं, तब ये सैंडविच आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलती हूँ एक और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।